अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है नाज किचन और आज हम बनाने जा रहे हैं केएफसी चिकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम चिकन, जो कि मैंने अच्छी तरह से धो लिया और इसका पानी पूरी तरह निकाल लिया। तो इसे एक बोल में लेते हैं मैरिनेशन के लिए। और इसमें हम डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद इसमें हम डालते हैं रेड चिली पाउडर, जो कि बहुत ही प्यारा टेस्ट देता है। ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर, एक लेमन जूस, जो कि अच्छा खट्टा सा टेस्ट देगा। इसके बाद हमें डालना है ओरिगैनो, आधा स्पून। और इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं हम एक स्पून, जो कि आपके पास अगर सूखा पाउडर हो तो और भी अच्छा होगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसे 8 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। चलिए हम आगे की तैयारी करते हैं तब तक। तो इसके लिए मैंने लिया है एक अंडा, जो कि अच्छी तरह फेंट लेंगे। तो सबसे पहले अंडे में हम डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। इसके बाद डालेंगे आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर, इसमें हमने डाला है आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर और इसे भी फेंट लेंगे। और इसी में हम डालेंगे एक चम्मच मैदा। तो इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि लंग्स ना रहें। तो चलिए हम अब आगे की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें लेना है एक बोल। तो इसमें हम एक कप मैदा ले लेंगे, जो कि मैंने नाप कर रखा है। इसके बाद हम आधा कप कॉर्नफ्लावर डालेंगे। तो अब हमें इसमें कुछ मसाले डालने हैं, जो कि इस तरह हैं। थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ा सा चिली पाउडर, आधा स्पून चिली पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर। इसमें भी ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है, ये बहुत जरूरी है डालना। उसके बाद थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लेंगे हम, बिल्कुल थोड़ा सा टेस्ट के लिए। आप सभी के घरों में होता है ये। इसमें काली मिर्च का पाउडर, जो कि बहुत ही जरूरी है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो ये मिक्स हो चुका है, तो इसमें डालेंगे अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास ड्राई अदरक लहसुन का पाउडर है तो और भी अच्छा है, उससे और ये अच्छा सूखा रहता है, उससे अच्छा टेस्ट आएगा। तो मेरे पास गीला वाला है, तो मैं ये पाउडर डालती हूँ पेस्ट और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें भी मैंने डाला है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलिए हम किसी ट्रे वगैरह में ट्रांसफर कर लेते हैं, ताकि डिप करते हुए अच्छे से बने। और अब हमें इसमें डालना है ब्रेड क्रम्स, जो कि मैंने 2-3 ब्रेड क्रम्स किए हैं, फ्रिज पे रखे हुए होते हैं, इससे बहुत ही अच्छे दिखते रहेंगे पीसेस। उसके ऊपर जो परत है वो इससे अच्छी दिखती है।
इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके लिए मैंने एक नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है। गैस ऑन करते हैं इसमें। तो मैंने नॉन स्टिक के पैन में ऑयल ले लिया है। डीप फ्राई करने के लिए ज़्यादा ही ऑयल लाएंगे। इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे। तो चिकन को निकाली हुई 8 से 10 घंटे हो चुके हैं। चिकन को रखे हुए 8 से 10 घंटे हो चुके हैं। फ्रिज में रख दिया था मैंने मैरिनेशन करके। तो अब मैंने निकाला है। अब इसे हम ड्राई पाउडर में डिप करेंगे जो कि हमने बनाया है। फिर इसे अंडे की लिक्विड में डिप करेंगे। इसे दोबारा ड्राई पाउडर में ड्रिप करेंगे। अब इसे ऑयल में डाल देंगे। अब गैस को स्लो कर देंगे मीडियम। इसी तरह हम सारे पीसेस को कर लेना। फिर अंडे में डिप करना। फिर ड्राई पाउडर में। ऑयल में छोड़ देना। इसी तरीके से हम सारे पीसेस को करेंगे। बढ़िया दिख रहा है। तो देखिए गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं हल्के हल्के। इसे धीमी आंच पर ही फ्राई करेंगे। अब तभी अंदर तक पक पाएगा वरना गोश्त अंदर तक कच्चा कच्चा सा लगेगा। अच्छे से पक गए हैं फ्राई हो गए। तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो देखा आपने कितनी आसान तरीके से हमने धूप पर केएफसी चिकन बनाया हुआ। और ये बहुत ही क्रिस्पी दिख रहा है और खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।